ये चैप्टर है रेशियो, रेशियो चैप्टर। ध्यान रखिए, रेशियो चैप्टर करते समय आपको अपने माथे में रखना पड़ेगा कि रेशियो चैप्टर करते समय, ये रेशियो चैप्टर को करते समय आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि आपको रेशियो का सारा फॉर्मूलाज आता है। गॉट इट? रेशियो का फॉर्मूलाज नहीं आता रहा तो बड़ा तकलीफ हो जाएगा। यानी रेशियो का फॉर्मूलाज आना बहुत ज़रूरी है। रेशियो का ये थर्ड क्लास है, रेशियो का ये थर्ड क्लास है। रेशियो के थर्ड क्लास में मैं आपको 1998 का क्वेश्चन कराऊंगा, ईयर 1998 में रेशियो में जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन बोर्ड पे है। देखिए, जिसके पास क्वेश्चन नहीं है वो पॉज करके क्वेश्चन कॉपी करेगा। पॉज करने का समय हम आपको दे रहे हैं, वेट फॉर अ सेकेंड। ये रहा, पॉज कर लीजिए, पॉज करके कॉपी कर लीजिए। और जिसके पास ऑलरेडी कॉपी है वो सीधा सॉल्यूशन दिखेगा। पॉज करके क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए। चलिए मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। देखिए, इसमें करंट रेशियो का आंसर दिया हुआ है, लिक्विड रेशियो का आंसर दिया हुआ है, नेट वर्किंग कैपिटल का आंसर दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल्स बाई प्रोड्यूस स्टॉक दिया हुआ है। ऐसे सबका आंसर दे दिया, मतलब रेशियोज का आंसर दिया हुआ है, रेशियोज का आंसर दिया हुआ है। उस आंसर से आपको कुछ वैल्यूज निकालने हैं। वो वैल्यूज कौन कौन से निकालने हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू मून लाइट लिमिटेड, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू मून लाइट लिमिटेड प्रिपेयर अ बैलेंस शीट 31/12/97। अभी क्या है, आपको बैलेंस शीट बनाना है। तो आप बैलेंस शीट बनाना है, आपके माथे में तो है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट बनाते समय आपको क्या क्या आइटम लगेगा। आपको लगेगा शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, फिर बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको चाहिए करेंट लाइबिलिटी, फिर करेंट एसेट्स, ये सारे चीज आपको फाइंड होने, फिक्स्ड एसेट्स। यानी बैलेंस शीट का आइटम ही आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? बैलेंस शीट का आइटम। ये बैलेंस शीट का आइटम फाइंड करने के लिए, ये बैलेंस शीट के आइटम को फाइंड करने के लिए ये इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं। इस पूरे इन्फॉर्मेशन को यूज करके और इसके रेशियोज का जो फॉर्मूला है, जैसे करंट रेशियो का फॉर्मूला है, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला है, वो आपको याद होना चाहिए। वो सारे रेशियो का जो फॉर्मूलाज है उसको पुट करके आपको बैलेंस शीट का सारा आइटम ढूंढना पड़ेगा। सारा आइटम। आपको फिक्स्ड एसेट ढूंढना है, आपको करंट एसेट ढूंढना है, आपको करंट लायबिलिटी ढूंढना है, आपको शेयर कैपिटल ढूंढना है, आपको रिजर्व एंड सरप्लस ढूंढना है। इट मींस यू हैव टू फाइंड ऑल आइटम ऑफ बैलेंस शीट, ऑल आइटम बैलेंस शीट विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, दीज इंफॉर्मेशंस 1 to 8। एक एक करके करूंगा, एक एक करके इंफॉर्मेशन का यूज करूंगा। जैसे कि इंफॉर्मेशन नंबर ए, सॉरी 1 और 3 को यूज करके आप करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी निकाल सकते हैं। करेंट रेशियो और नेट वर्किंग कैपिटल, ये दो चीज का यूज करके, करेंट रेशियो और नेट वर्किंग कैपिटल को यूज करके आप दो चीज निकाल सकते हैं। क्या क्या निकाल सकते हैं? करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज। ये मेरे को कैसे पता? क्योंकि मेरे को फॉर्मूला याद है, मेरे को फॉर्मूला मालूम है कि करेंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करेंट रेशियो का फॉर्मूला, आंसर दिया हुआ 2.5, करेंट रेशियो 2.5 गिवन है। इसका फॉर्मूला होता है करेंट एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटी 2.5। श्योर? ये हमको मालूम है, ये हमको इसका ही फॉर्मूला पता है कि ये करेंट रेशियो का फॉर्मूला होता है। और हमको नेटवर्किंग कैपिटल का भी फॉर्मूला मालूम है, मेरे को याद है नेटवर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला, आपको याद होना चाहिए। नेटवर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। थोड़ा जगह छोड़ता हूं, नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू 3 लाख, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटी 3 लाख। तो मैंने पहले करेंट रेशियो का फॉर्मूला लिखा, फिर थोड़ा जगह छोड़ के नेटवर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लिखा। अब हम लेट ले ले करेंट एसेट्स को सीएल लिख दे, करेंट लाइबिलिटी को सीएल लिख दे, या आप ए बी भी लिख सकते हैं, एक्स वाई भी ले सकते हैं, आपका इच्छा।
आप एक्स वाई ले लीजिए, लेट लेट करेंट एसेट्स, शॉर्ट में लिख रहा हूं, करेंट एसेट्स भी एक्स, करेंट लाइबिलिटी भी वाई। अगर हम करेंट एसेट्स को एक्स ले ले और करेंट लाइबिलिटी को बी, करेंट एसेट्स को एक्स और करेंट लाइबिलिटी को बी, तो मेरे को लगता है फॉर्मूला हो जाएगा एक्स बाई वाई इज इक्वल टू 2.5, एक्स इज इक्वल टू 2.5 वाई। ये वाई क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा, x by y is equal to 2.5, y ऊपर चला गया, x is equal to 2.5, x is equal to 2.5, ये बन गया equation 1। वही xy जो आपने लेट लिया है वो यहाँ पे भी यूज करेंगे, a सॉरी xy यूज करना है, x minus y is equal to 3 lakh, श्योर, यहाँ लिखेंगे substitute the value of x in equation 2, ये x का वाला वैल्यू यहाँ बिठा दीजिए, 2.5 y माइनस y इज इक्वल टू 3 lakh, श्योर, एंड y इज इक्वल टू 3 lakh बाई 1.5, और इससे y का वैल्यू आ जाएगा, यू विल बी डिटरमाइंड द वैल्यू ऑफ y आपके सामने आ जाएगा। अपने अपने कैलकुलेटर से y का वैल्यू निकालिए, थ्री लैख डिवाइडेड बाई 1.5, 2 lakh आएगा, y इज इक्वल टू 2 lakh, मतलब करेंट लाइबिलिटी 2 lakh रुपये हो गया, ये 1.5 इज इक्वल टू 3 lakh, y इज इक्वल टू 3 lakh बाई 1.5, 3 lakh बाई 1.5, 2.5 माइनस y इज इक्वल टू 3 lakh, 1.5 y इज इक्वल टू 3 lakh, y इज इक्वल टू 3 lakh बाई 1.5, 3 lakh बाई 1.5, got it? चलिए मैं कुछ मिटा दूँ, कुछ पोर्शन मिटाऊंगा तो मैं आगे लिख पाऊंगा, ये मिटाता हूँ, लास्ट 3 मिटाता हूँ, करेंट रेशियो यूज कर लिया है मैंने, नेटवर्किंग कैपिटल यूज कर लिया है मैंने, 2 फॉर्मूला, क्वेश्चन का भी इंफॉर्मेशन छोड़ दिया मैंने। चलिए भाई, y इज इक्वल टू 3 lakh बाई 1.5, बता देता हूँ, लिख दिया मैंने 2 lakh इज इक्वल टू करेंट लाइबिलिटी आ गया मेरा, करेंट लाइबिलिटीज CL, चलिए अब मैं ये y के वैल्यू को 1 में पुट कर देता हूँ, इक्वेशन 1 था ना, x इज इक्वल टू 2.5 y, x इज इक्वल टू 2.5 इंटू 2 lakh, 2 lakh इंटू 2.5, 3 lakh आना चाहिए, सॉरी 5 lakh से आना चाहिए, 2.5 इंटू 2 lakh 5 lakh रुपये, करेंट एसेट्स CA। तो बैलेंस शीट का 2 बड़ा अहम वैल्यू करेंट एसेट्स, करेंट लाइबिलिटी सिर्फ और सिर्फ 2 इक्वेशन सॉल्व करने से बनेगा, एक करेंट रेशियो और एक नेटवर्किंग कैपिटल। तो नेटवर्किंग कैपिटल और करेंट रेशियो को लेकर मैंने कैसे सॉल्व किया वो आपको समझ में आया होगा, मैंने करेंट रेशियो का फॉर्मूला लिखा, नेटवर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लिखा, दोनों में करेंट एसेट्स और करेंट लाइबिलिटी था, करेंट एसेट करेंट लाइबिलिटी को एक्स और वाई लिया, इक्वेशन बनाया और सॉल्व कर दिया।
अब लिक्विड रेशो दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना, मिटा दूं? ओह सॉरी, कॉपी नहीं किया हुआ आपने, कॉपी कर लीजिए। यहाँ लिख देता हूँ सॉल्यूशन, यहाँ चालू हुआ ना, यहाँ से चालू हुआ है सॉल्यूशन, यहाँ से कॉपी करना सॉल्यूशन। जल्दी जल्दी कॉपी करिए। पॉज कर लीजिए, पॉज करके यहाँ तक पूरा कॉपी कर लीजिए, क्योंकि मैं तो मिटा दूंगा पोर्शन, फिर मैं आगे लिखूंगा ना। गॉट इट? चलिए, पॉज कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए रब करता हूँ बोर्ड, रब द बोर्ड। अब है फॉर्मूला नंबर टू, फॉर्मूला नंबर टू यूज करते हैं भाई। लिक्विड रेशियो दिया हुआ है, लिक्विड रेशियो 1.5, ये क्वेश्चन में गिवन है। आपको लिक्विड रेशियो का भी फॉर्मूला याद होना चाहिए। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स सीए, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड, करंट लाइबिलिटी माइनस बैंक ओडी बैंक ओवरड्राफ्ट, जिसमें आपको करंट एसेट्स 5 लाख निकला हुआ है, करंट लाइबिलिटी भी निकला हुआ है 2 लाख, करंट एसेट्स 5 लाख निकला हुआ है, करंट लाइबिलिटी 2 लाख निकला हुआ है, वह यहां बैठा दीजिए, 5 लाख माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड नील, करंट लाइबिलिटी 2 लाख, बैंक ओडी क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो नील, चेक कर लीजिए है क्या क्वेश्चन में गिवन नहीं है। याद रखिएगा, प्रीपेड और बैंक ओडी सब में गिवन ना हो, प्रीपेड और बैंक ओडी का इंफॉर्मेशन सब में गिवन ना हो, इट मीन्स नील, याद रखिएगा, एकदम फिक्स है ये, क्योंकि प्रीपेड हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बैंक ओडी हो भी सकता है, तो अगर होगा तो गिवन होगा, नहीं है तो गिवन नहीं है। लेकिन स्टॉक एक ऐसा चीज है जिसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक अगर गिवन नहीं है, इसका मतलब आपको फाइंड करना है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन नहीं है मतलब आपको फाइंड करना है, वो आप उसको आप नील एज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी ऐसा मतलब बिजनेसमैन नहीं है जो बिजनेस करता रहे और लास्ट में उसका क्लोजिंग स्टॉक 0 बचे, कुछ ना कुछ तो बचा ही होगा। अब मान लेते हैं 0 ही बचेगा, अगर 0 बचेगा तो आप स्टॉक सॉल्व करिए, स्टॉक 0 आएगा, गॉट इट? याद रखिएगा, तो आप एज्यूम मत करिए स्टॉक 0, स्टॉक आप 0 एज्यूम नहीं कर सकते, आपको स्टॉक को स्टॉक लिखना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। अब वो 0 आए, 100 आए, 200 आए, लाख आए, 2 लाख आए, जो भी आए वो उस पर डिपेंड करता है। सॉल्व कर रहा हूं, 2 लाख को उधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, फाइव लाख माइनस स्टॉक इक्वल टू 1.5 × 2 लाख, 3 लाख होना चाहिए, 3 लाख, फाइव लाख माइनस 3 लाख स्टॉक, थ्री लाख को इधर भेज दिया, स्टॉक को उधर भेज दिया, वो प्लस था इधर आया तो माइनस हो गया, माइनस था उधर गया तो प्लस हो गया, 2 लाख रुपए स्टॉक आ गया। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। कॉपी कर लीजिए, पॉज करके कॉपी कर लीजिए, फिर मैं मिटा दूंगा। लिक्विड रेशियो तो फ्यूज हो गया है, एक एक करके बाद 5-5 मिनट लगेगा, 5 मिनट में सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बस ज्यादा लगता नहीं, थोड़ा सॉल्यूशन बड़ा है बिकॉज ज्यादा मार्क्स का आता है, इसलिए रेशियो थोड़ा दिमाग करके यूज करेंगे तो मैक्सिमम 20-15 मिनट मिल जाएगा। गॉट इट? पॉज कर लीजिए, चलिए पॉज करके कॉपी कर लिया होगा मेरे को लगता है, मैं इसको मिटा देना हूं।
सीएल स्टॉक, ये तीन चीज आपने निकाला है। ये निकाला 5 लाख, ये निकाला 2 लाख, सीएल 2 लाख निकला ना, हाँ सीए 5 लाख निकला था, सीएल 2 लाख निकला था, स्टॉक भी 2 लाख निकला था। ये भी मैंने फाइंड किया, लिख लिया, दरकार पड़ेगा हो सकता है यहाँ से यहाँ तक सॉल्यूशन में मैं अभी यूज करूँगा ना सॉल्यूशन। ये गिवन है, ये गिवन इन्फॉर्मेशन है और ये आ चुका है। लिक्विड रेशियो का काम हो गया बता दीजिए, लिक्विड रेशियो का काम हो गया, उसका कोई काम नहीं। चलिए अब कॉस्ट ऑफ सेल्स बाई क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ सेल्स बाई क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 8 times, है ना, कॉस्ट ऑफ सेल्स बाई क्लोजिंग स्टॉक। ये ना जो स्टॉक है इसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं, दिस स्टॉक इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक, दिस स्टॉक इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक, याद रखिएगा स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पुट कर दीजिए कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा 8 times, cost of sales is equal to 8 into 2 lakh, 8 duni 16 lakh, cost of sales आ गया 16 lakh, 2 lakh into 8, कॉस्ट ऑफ सेल्स इज 2 लाख। ठीक है जी, आपको एक और जानकारी दे दूं, कॉस्ट ऑफ सेल्स को ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोलते हैं, यानी ये 16 लाख को ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, याद रखिएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स को ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी होते हैं। चलिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आ गया, उसके बाद ठीक नीचे दिया हुआ है जीपी रेशियो 25%। तो आपको बता दें खाली लिखा रहेगा जीपी रेशियो 25%, इसका मतलब जीपी रेशियो, जीपी इज 25% ऑन सेल्स, गॉट इट, 25% ऑन सेल्स। चलिए शायद आपको पता होगा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स होता है ना, पता है ना, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरे पास 16 लाख है, कॉस्ट ऑफ सेल्स 16 लाख यहाँ बैठाएंगे, प्रॉफिट में लिखेंगे 25% ऑन सेल्स इज इक्वल टू सेल्स, 16 लाख लिखेंगे सेल्स माइनस 25% ऑन सेल्स, सेल का 25% उससे माइनस कर दीजिए तो हो जाता है 75% ऑन सेल्स, ऑन मने मल्टीप्लाई, ऑन मने मल्टीप्लाई, याद रखिएगा जैसे बनेगा 25% ऑन सेल्स तो हो गया वो 25% इंटू सेल्स, 25% ऑन सेल्स मने 25% इंटू सेल्स, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा भैया कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, कॉस्ट प्राइस 16 लाख निकला है अभी, 16 लाख प्लस 25% सेल्स इज इक्वल टू सेल्स 16 लाख, सेल्स माइनस 25%, ये प्लस 25% यहाँ पर है उधर जाएगा माइनस 25% हो जाएगा, 16 लाख इज इक्वल टू 75% सेल्स। ये कैसे आया ध्यान से देखिए, ये जो सेल दिया ना सेल पूरा सेल मतलब 100%, मैं खड़ा हूँ तो पूरा 100% खड़ा हूँ, वैसे सेल अकेला खड़ा है तो 100% है, 100% में से 25% उसका प्रॉफिट माइनस कर दीजिए तो 75% आएगा, तो 16 लाख बाई 75% इक्वल टू सेल्स, सेल्स का वैल्यू आ जाएगा 16 लाख बाई 75%, 16 लाख कैलकुलेटर में जाएगा, डिवाइड का बटन दबाएगा, 75 दबाएगा 75 और फिर परसेंट दबाएगा, आएगा 21333 21,33,333 सेल्स, 21,33,333
गॉट इट। चलिए उसके बाद जल्दी कॉपी कर लीजिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सॉल्ड भी निकाल दिया मैंने, सेल्स भी निकाल दिया। क्यों निकाला है? क्योंकि ये दो फॉर्मूला था, दो फॉर्मूला को यूज किया तो वही निकला। आगे देखिएगा वो बैलेंस शीट के लिए सेल्स निकाले या डेटा निकालने के लिए, कि उधारी में सेल करते हैं ना, सेल्स मतलब क्रेडिट या कैश जो भी है, तो कुछ नहीं होता तो क्रेडिट से रिज्यूम करेंगे। अभी दो मिनट दीजिए, वेट करिए, अभी अभी पढ़ाएंगे सेल्स, उससे हम आपको डेटा निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? डेटा। थोड़ा जल्दी जल्दी करिए कॉपी, पॉज कर लीजिए, पॉज का बटन दबाइए और कॉपी कर लीजिए। जल्दी पॉज का बटन दबाइए तो मिटाए, पॉज का बटन दबा के ये पूरा सॉल्व करिए, पूरा छापिए, जल्दी जल्दी छापिए। बेटा इतना चीज फाइंड कर चुके हैं, अब आ गया एवरेज डेटर कलेक्शन पीरियड, इसको सॉल्व करना है। पॉइंट नंबर 7 को एवरेज डेट कलेक्शन पीरियड तो आपको एवरेज डेट कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। आप लोग फॉर्मूला याद करके रखिएगा, फॉर्मूला हम पहला क्लास में ऑलरेडी दिए थे। अगर उसमें नहीं भी दिया हो तो अभी मैं लिख दे रहा हूँ, याद कर लीजिएगा। एवरेज डेटर कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है वो देख लीजिए, होता है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाई, यह एवरेज है, एवरेज एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाई क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट क्रेडिट सेल्स इंटू 12 या 365 या 52। अब ये तीन ऑप्शन है, या तो 12 से मल्टीप्लाई होगा, या तो 365 से मल्टीप्लाई होगा, या तो 52 से मल्टीप्लाई होगा। 12 से कब मल्टीप्लाई होता है? जब आंसर मंथ्स में दिया हो, जैसे यहाँ पे मंथ्स में दिया हो ना 1.5 मंथ्स, क्वेश्चन में 1.5 मंथ दिया मैंने, क्वेश्चन में अगर इसका आंसर मंथ्स में पूछा है या मंथ्स में दिया हुआ है, मंथ्स में दिया हुआ है तो आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मंथ की जगह का डेज लिखा होता तो 365 से मल्टीप्लाई करते, ये वीक्स दिया होता तो 52 से मल्टीप्लाई करते, मंथ दिया है तो हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। गॉट इट। चलिए अभी इन दोनों में से कोई एक दिया होगा, क्रेडिट सेल दिया है, ये जो सेल आप आंसर निकाले ना, ये सेल को आप एज्यूम करेंगे क्रेडिट सेल इज इक्वल टू 21333333, याद रहेगा। क्या एज्यूम करेंगे? क्रेडिट सेल को एज्यूम, सेल्स को क्रेडिट सेल से एज्यूम करेंगे, सेल्स को क्या एज्यूम करेंगे? क्रेडिट सेल्स, याद रहेगा। श्योर, सेल्स को क्रेडिट सेल से एज्यूम करेंगे। अगर सब में कुछ नहीं दिया हुआ है तो, इस सब में तो आपको लगता नहीं कुछ दिया हुआ है, तो एज्यूम कर लीजिए क्रेडिट सेल्स लिखिए। और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होता है ये तो आपने पूछा ही नहीं, चलिए बता दूं। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल होता है डेटर और बीआर, डेटर और बीआर, डेटर को भी बोल सकते हैं बीआर को बोल सकते हैं, बिकॉज बिल रिसीवेबल इज अ पार्ट ऑफ अ डेटर। जैसे आप बैलेंस शीट में देखोगे ट्रेड रिसीवेबल्स होता है, वही है ट्रेड रिसीवेबल्स, तो आप ट्रेड रिसीवेबल्स भी बोल सकते हैं, डेटर भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है उसको ट्रेड रिसीवेबल ही बोलते हैं। तो आप इसको लिखिए ट्रेड रिसीवेबल
बाई क्रेडिट सेल 21333 × 12 = 1.5 क्रॉस मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा, कुछ खास है नहीं। चैप्टर इजी है, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। (2666.66) (2666.66) (2666.66) पॉइंट के बाद तो यही लेते हैं ना, 266,667 ये आ गया ट्रेड रिसीवेबल्स, यानी ये सिक्स नंबर फॉर्मूला का काम खत्म। सेवन फॉर्मूला फिक्स्ड एसेट्स बाय शेयरहोल्डर नेट वर्थ, आप पहले कॉपी कर लीजिए, पॉज करके कॉपी कर लीजिए, मिटा रहा हूँ मैं, पॉज करिए कॉपी कर लीजिए। आप इसको डेटर भी बोल सकते हैं, डेटर लिख दिया मैंने, पॉज करके कॉपी कर लीजिए, मिटा रहा हूँ मैं, दो फॉर्मूला बचा है, सब खत्म। कुछ फाइंड हो गया है, फिक्स्ड एसेट बाय शेयर होल्डर नेट वर्थ इज इक्वल टू 0.75 ये भी गिवन है। चलिए भैया देखते हैं, फिक्स्ड एसेट्स डिवाइड बाय शेयर होल्डर नेट वर्थ is equal to 0.75 fixed assets FA लेते हैं ना, fixed assets by share, fixed assets को आप FA लिख सकते हैं शॉर्टकट में, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, और shareholder net worth को आप net worth लिख के कर लीजिए, shareholder net worth को खाली net worth लिख सकते हैं, नेटवर्थ 0.75 यानी फिक्स्ड एसेट्स इज इक्वल टू 0.75 नेट वर्थ, ये है फिक्स फॉर्मूला। फिक्स्ड एसेट नेटवर्थ दोनों ही क्वेश्चन में हमारे और अभी तक निकला नहीं, देखिए एक भी नहीं है ना, तो क्वेश्चन में गिवन था ना है हमारे पास, फिक्स्ड एसेट भी नहीं है नेटवर्थ भी नहीं है, तो इक्वेशन थ्री बोल दीजिए इसको, इक्वेशन थ्री बोल के यहीं छोड़ दीजिए, ठीक है ना। ये जो है ना ये मोड आपको हमेशा दिक्कत देगा, इस मोड में जब भी फिक्स्ड एसेट नेटवर्थ ऐसे आ जाए और आप फंस जाए, जब आप फंस जाए तो आप एकदम दिमाग में बिठा लीजिएगा, तब आपको मन में पुराना बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद करना पड़ेगा। पुराना बैलेंस शीट का फॉर्मेट था फिक्स्ड एसेट्स करेंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स करेंट एसेट्स, शेयर होल्डर फंड मतलब होता है ये एसेट साइड हो गया, लाइबिलिटी साइड हो गया,
एसेट्स लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी साइड एसेट साइड, ये मन में रखना है, मन में शेयर होल्डर फंड और करेंट लाइबिलिटी, बस। ये शेयर होल्डर फंड को नेटवर्थ बोलते हैं, शेयर होल्डर फंड को ही शेयर होल्डर नेटवर्थ बोलते हैं, शेयर होल्डर फंड को ही नेटवर्थ बोलते हैं। और यहाँ बीच में एक और चीज होता है जो इस समय नहीं है, मैं लिख देता हूँ, लॉन्ग टर्म बोरिंग, जैसे कि डिबेंचर या लॉन्ग टर्म लोन और करेंट लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, डिबेंचर, डिबेंचर या लॉन्ग टर्म लोन और करेंट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी साइड में फिक्स्ड एसेट प्लस करेंट एसेट्स। और यहाँ कई बार फिक्टिशियस एसेट्स भी होता है नहीं इस सब में, इसलिए लिखा नहीं मैंने, फिक्टिशियस, फिक्टिशियस एसेट्स, ध्यान से सुनेगा, फिक्टिशियस, क्या, फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है ना। तो यहाँ तीन आइटम, वहाँ तीन आइटम, जिस तीन आइटम में ये आइटम और ये आइटम नहीं गिवन है, ये क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है, तो इसको मत लिखिए, आप ऐसे लिखिए, शेयर होल्डर फंड प्लस करेंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स। अब क्यों नहीं लिखा मैंने, डिबेंचर नहीं दिया है मतलब नील, फिक्टिशियस एसेट नहीं दिया मतलब नील, तो नील लिख के कोई फायदा है नहीं। अगर दिया होता तो मैं लिखता इस तरह, ये है लाइबिलिटी साइड, ये एसेट साइड, लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स, टैली करता है ना बैलेंस शीट, लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स, तो लाइबिलिटी को लेफ्ट हैंड साइड में लिख लीजिए, एसेट्स को राइट हैंड साइड में लिख दीजिए, इक्वल टू लगा दीजिए, और जो नहीं दिया उसको नील एज्यूम कर लीजिए, क्यों नील है, नहीं दिया हुआ है। चलिए, शेयर होल्डर फंड मतलब नेटवर्थ लिख देते हैं, नेटवर्थ, करेंट लाइबिलिटी मेरे पास है 2 लाख, फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स नहीं है मेरे पास, नहीं है, फिक्स्ड एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स है 0.75 नेटवर्थ, फिक्स्ड एसेट्स क्या है 0.75 नेटवर्थ, देखिए यहाँ पे वो है फिक्स्ड एसेट्स लिख दीजिए, प्लस करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स है 5 लाख, वहाँ देखिए करेंट एसेट्स 5 लाख, नेटवर्थ प्लस 2 लाख इज इक्वल टू 0.75 नेटवर्थ प्लस 5 लाख, इधर उधर कर दीजिए सॉल्व, नेटवर्थ माइनस 0.75 नेटवर्थ इज इक्वल टू 5 लाख माइनस 2 लाख, 0.75 मतलब 75% होता है, 0.75 का मतलब 75% है ना, तो याद रखिएगा, नेटवर्थ में से उसका 75% चला जाएगा, 0.75 चला जाएगा तो बचेगा कितना, 0.25 नेटवर्थ, ये रहा नेट वर्थ 3 लाख बाई 0.25, 3 लाख डिवाइड बाई 0.25 12 लाख, 3 लाख 0.25 नेट वर्थ, नेट वर्थ, नेट वर्थ इज इक्वल टू नेटवर्थ 12 लाख, यस राइट, आंसर चेक कर लिया मैंने, 12 लाख, नेटवर्थ 12 लाख, देख लीजिए, ये मन में मैंने लिखा ना, ये वाला आपको नहीं दिखाना एग्जाम में, ये वाला पोर्शन आपको एग्जाम में दिखाना नहीं, ये नहीं दिखाना, ठीक है बेटा, ये नहीं दिखाना,
और ये सारे एग्जाम में दिखाना है। ये मन में आपको रखना, मन में रख के ये क्वेश्चन बना लेंगे ना तो वहाँ पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब नेटवर्थ आ गया तो फिक्स्ड एसेट्स आ जाएगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप देखिए बैलेंस शीट का सारा आइटम आपके पास आ गया। शेयर होल्डर फंड मतलब नेटवर्थ आ गया, करंट लायबिलिटी आ गया, करंट एसेट्स आ गया, फिक्स्ड एसेट्स आ गया। बस थोड़ा बुद्धि लगाना है, बैलेंस शीट बना के दिखा देंगे अभी आपको। चलिए उसको कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लिए। एक फॉर्मूला और बाकी है, रिजर्व सरप्लस बाय शेयर होल्डर फंड, देखिए और लिख दिया बताता हूँ। जल्दी करिए पॉज करके कॉपी कर लेंगे। चलिए तो पॉज का बटन दबाइए। चलिए थैंक यू। लास्ट फॉर्मूला है, लास्ट वाले फॉर्मूले में क्लियर लिखा हुआ है, लास्ट वाले फॉर्मूले में क्लियर लिखा हुआ है। क्लियर क्या लिखा हुआ है कि भाई जो नेटवर्थ है, वो शेयर होल्डर फंड होता है। क्या होता है? शेयर होल्डर फंड। तो मैं लिखता हूं थोड़ा, नेट वर्थ जो आपने निकाला है, कहाँ है नेट वर्थ भैया? 12 लाख। ये 12 लाख नेट वर्थ है। असली में नेट वर्थ मतलब शेयर होल्डर फंड। ओ सॉरी, फिक्स्ड एसेट्स तो निकालना भूल गया था, निकाल लेता हूँ। फिक्स्ड एसेट्स इक्वल टू 0.75 ऑफ नेट वर्थ, पहले ये निकाल लेता हूँ फिर लास्ट वाला फॉर्मूला बताऊंगा। 0.5 12 लाख का 0.75 8 लाख होगा। फिक्स्ड एसेट निकल गया, फिक्स्ड एसेट 8 लाख है, सॉरी 9 लाख होगा। 9 लाख। आ गया फिक्स्ड एसेट्स। अब लास्ट वाला फॉर्मूला, नेटवर्थ को आप लिख सकते हैं, 12 लाख है ना नेटवर्थ, उसको आप लिख सकते हैं शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। क्यों लिख सकते हो बताता हूं। ये जो नेटवर्थ है ना उसी को बोलते हैं शेयर होल्डर फंड, नेटवर्थ को बोलते हैं शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड बोलते हैं शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस। यानी शेयर होल्डर मतलब मालिक का फंड। मालिक का क्या क्या फंड है बिजनेस में? शेयर कैपिटल है और रिजर्व सरप्लस है। तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड को नेटवर्थ बोलते हैं। तो नेटवर्थ को आप ये लिख लेंगे, गॉट इट। चलिए तो ये मिल गया, आप यहाँ पे इस पे लिखिए, है ना। अभी देखिए ये आप ऐसे इसमें आप चाहे तो ये फॉर्मूला लिख कर इक्वेशन 4 लिख लीजिए। 3 इक्वेशन बनाया था और लाइन टांगिए, यहाँ लिखिए रिजर्व एंड सरप्लस डिवाइडेड बाय शेयर कैपिटल इज इक्वल टू 0.5। यानी रिजर्व एंड सरप्लस इज इक्वल टू 0.5 इंटू शेयर कैपिटल। देखिए ये लास्ट वाला फॉर्मूला है, लास्ट ऑफ फॉर्मूला रिजर्व सरप्लस डिवाइड बाई, ये जो लाइन तनाव है डिवाइड बाई है, डिवाइडेड बाई शेयर कैपिटल इज इक्वल टू 0.5। रिजर्व सरप्लस बाई शेयर कैपिटल इज इक्वल टू 0.5, रिजर्व सरप्लस इक्वल टू 0.5 इनटू शेयर कैपिटल। अब आपको पता चल गया रिजर्व सरप्लस शेयर कैपिटल का 0.5 है, तो आप ये इस रिजर्व सरप्लस की जगह पे लिखेंगे
तो शेयर कैपिटल प्लस 0.5 शेयर कैपिटल हो जाएगा, इससे शेयर कैपिटल निकल जाएगा। इसको लिख लीजिए इक्वेशन 5। लास्ट वाला फॉर्मूला का काम तो है नहीं, मिटा दे रहा हूँ, मेरे को लिखने में सुविधा होगा। जो आपके यहाँ दो ठो इक्वेशन है, इक्वेशन 4-5, तो आप 4-5 को सॉल्व करके अभी रिजर्व सरप्लस और शेयर कैपिटल दोनों निकालेंगे। सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए अभी इक्वेशन 4 लिख रहा हूँ, इक्वेशन 4 लिखा मैंने। क्या अभी इक्वेशन 4 है शेयर कैपिटल प्लस, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस इज इक्वल टू 12 लाख और रिजर्व एंड सरप्लस है 0.5। शेयर कैपिटल प्लस 0.5 टू शेयर कैपिटल इज इक्वल टू 12 लाख। तो शेयर कैपिटल और 0.5 इसमें जुड़ गया, तो आप शेयर कैपिटल को कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस 0.5 हो जाएगा, डेढ़ हो जाएगा, एक और आधा डेढ़, 12 लाख, डेढ़ वन पॉइंट फाइव शेयर कैपिटल इज इक्वल टू 12 लाख, शेयर कैपिटल इज इक्वल टू 12 लाख डिवाइड बाई 1.5, शेयर कैपिटल 12 लाख डिवाइड बाई 1.5 8 लाख। कैलकुलेटर में 12 लाख लिखिएगा, डिवाइड बाई साइन लगाइएगा, डिवाइड का साइन लगाइएगा और 1.5 कर दीजिएगा, 8 लाख आ जाएगा। चलिए आ गया शेयर कैपिटल। अब इक्वेशन 5 में रिजर्व एंड सरप्लस इज इक्वल टू 0.5 इंटू शेयर कैपिटल, दैट इज 0.5 इंटू 8 लाख इज इक्वल टू 4 लाख, 4 लाख रिजर्व सरप्लस हो गया, 4 लाख। गॉट इट, पूरा क्लियर, समझ में है, ध्यान दीजिए, क्लियर। तो जब आप ये पूरा सॉल्व कर लेंगे, सारा वैल्यूज आ गया, क्या क्या आ गया मैं बताता हूं, सुनिएगा ध्यान से, क्या क्या आएगा ध्यान से देखिएगा। शेयर कैपिटल आ गया, रिजर्व सरप्लस आ गया, करेंट लायबिलिटी आ गया, 3 आइटम, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, करेंट लायबिलिटी, यही 3 लायबिलिटी साइड में था, याद है अभी थोड़ा देर पहले मन में बताए थे। लायबिलिटी में 4 ही आइटम होता है, एक शेयर होल्डर फंड, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, करेंट लायबिलिटी, है ना, 4 बोल दिया। शेयर होल्डर फंड में 2 चीज होता है, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में लोन डिवेंचर और करेंट लायबिलिटी, बस और कुछ होता ही नहीं। तो आप शेयर कैपिटल लिखेंगे, रिजर्व सरप्लस लिखेंगे, लॉन्ग टर्म लोन है नहीं, डिवेंचर है नहीं, करंट लायबिलिटी का लायबिलिटी साइड खत्म, बैलेंस शीट का लायबिलिटी मिल गया, लायबिलिटी में खाली 3 ही आइटम है। अब एसेट्स में, एसेट्स में कौन कौन से, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स, ये रहा तेरा फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स, श्योर पक्का। अब आपको टैली करवा देते हैं, उसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको समझ में आ जाए कि आपका टैली कर गया, फिर आप बैलेंस शीट देखिएगा। टैली कराते, टैली देखिए,
शेयर कैपिटल 8 लाख, शेयर कैपिटल 8 लाख प्लस रिजर्व सरप्लस 4 लाख, 8 और 4 12 लाख प्लस करेंट लायबिलिटी 2 लाख 14 लाख। फिक्स्ड एसेट्स में आ गया, फिर लायबिलिटी साइड में आ गया, शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस और करेंट लायबिलिटी 14 लाख हो गया। अब एसेट साइड फिक्स्ड एसेट 9 लाख और करेंट एसेट 5 लाख, 14 लाख टैली किया, गॉट इट? आशा करते टैली किया होगा आप लोग का। आप लोग खुद से नया वाला बैलेंस शीट बनाइए, है ना, खुद से फॉरन बनाइए। मैं भी ये बना रहा हूँ, आप भी बनाइए, हम भी बनाए थे, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ जिससे कि आप कॉपी कर सकिए। पूरा कॉपी करिए लास्ट तक, और फिर जिसका कॉपी हो गया है वो नया वाला बैलेंस शीट का फॉर्मूला बनाइए। नया वाला बैलेंस शीट का फॉर्मूला बना लेंगे तो आपको यही फायदा होगा कि आप उसमें इस सारे करेंट एसेट्स करेंट लायबिलिटी को पुट कर पाएंगे। गॉट इट? आशा करते पॉज करके कॉपी कर लिए होंगे आप लोग। चलिए मिटाता हूं मैं आइटम्स छोड़कर जो जो मैंने फाइंड किया है और सब मिटा दूंगा मैं। पॉज करके कॉपी कर लिया करी भाई। नेटवर्थ निकला था 12 लाख, फिक्स्ड एसेट्स निकला था 9 लाख, शेयर कैपिटल आप निकाले 8 लाख, फिर रिजर्व एंड सरप्लस निकला 4 लाख। ये रहा आपका बैलेंस शीट, बनाता हूं आप लिखेंगे मून लाइट लिमिटेड बैलेंस शीट, बैलेंस शीट डेट क्या भैया 31/12/97 का बनाना है आपको, क्वेश्चन में लिखा होता एज एट 31/12/97। चलिए SL नंबर, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, नोट, अमाउंट, रुपीस। चलिए पहला, सबसे पहले लाइबिलिटीज, इक्विटी लाइबिलिटीज। नया वाला फॉर्मेट पूरा पहले आप लोग बना लीजिए खुद से। और जिसको नहीं याद है वो 2 मिनट पहले देख लीजिए बोर्ड पे, फिर कॉपी करिए। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटी का पहला पॉइंट होगा शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड उसका फर्स्ट का पहला पोर्शन होगा ए शेयर कैपिटल, पूरा लिखना पड़ेगा शेयर कैपिटल, फिर बी रिजर्व एंड सरप्लस, फिर 2 नंबर पॉइंट वो होगा नॉन करेंट लाइबिलिटी,
नॉन करेंट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी नॉन करेंट लाइबिलिटी जो होता है वो लॉन्ग टर्म लोन और डिबेंचर को बोलते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट होगा करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटीज। तो भैया शेयर होल्डर फंड का दो आइडिया, दो पॉइंट है। शेयर होल्डर फंड किसको बोलते हैं? शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस को बोलते हैं। नॉन करेंट लाइबिलिटी किसको बोलते हैं? डिबेंचर और लॉन्ग टर्म लोन को बोलते हैं। और करेंट लाइबिलिटीज तो करेंट लाइबिलिटीज को बोलते हैं। करेंट लाइबिलिटी सब गिवन है, हम लोग खाली देख के बैठा रहे हैं। शेयर कैपिटल 8 लाख, रिजर्व सरप्लस 4 लाख, नॉन करेंट लाइबिलिटीज नहीं है, करेंट लाइबिलिटीज 2 लाख, 8×4=12, 14 लाख रुपया पूरा टोटल आया। यहाँ छोटा सा आपको टोटल लिख देना है यहाँ पर, ये आपका एक पॉइंट खत्म। और दूसरा पॉइंट होगा एसेट्स का पॉइंट। इस एसेट्स के पॉइंट में आप पहला लिखेंगे नॉन करेंट एसेट्स, हेडिंग है ये नॉन करेंट एसेट्स, उसका अंदर का पार्ट होगा फिक्स्ड एसेट्स, टैंजिबल, टैंजिबल। और एक और होता है फिक्स्ड एसेट नॉन टैंजिबल, अगर नॉन टैंजिबल हुआ तो, जैसे गुडविल, टैंजिबल माने जिसको छूके देख सके, नॉन टैंजिबल जिसको छूके ना देख सके। इसमें तो है नहीं, बोलकर नहीं लिखते हैं। टू नंबर करेंट एसेट्स, गॉट इट। और ये टोटल आपके पास फिक्स्ड एसेट्स भी है, करेंट एसेट्स भी है। ये रहा फिक्स्ड एसेट्स 9 लाख और ये रहा करेंट एसेट्स 5 लाख और ये आपका 14 लाख टैली कर गया। यहाँ लिख दीजिएगा 14 लाख आ गया, गॉट इट। लेकिन ये आपको बैलेंस शीट तो बन गया, 14 लाख टैली भी कर गया, आप एकदम खुश हो गए, राइट है। लेकिन मैंने करेंट एसेट्स के नीचे जगह छोड़ा है, क्यों छोड़ा है पता है? जब भी क्वेश्चन में स्टॉक, प्रीपेड, डेटर, कैश ऐसा कुछ आइटम का नाम हो, इसका मतलब करेंट एसेट्स 5 लाख पूरा एक साथ नहीं लिखना है, करेंट एसेट्स को तोड़ के लिखना है। ये 5 लाख को आपको सब हेडिंग बना के लिखना पड़ेगा। सब हेडिंग में सबसे पहला हेडिंग होगा इन्वेंटरी, इन्वेंटरी माने स्टॉक, इन्वेंटरीज, वो भी गिवेन हो तब, जैसे हमारे में है ऑलरेडी। देखिए मैंने सॉल्व किया तो निकल गया था स्टॉक, देखिए स्टॉक निकला हुआ है स्टॉक। सेकेंड हेडिंग होगा ट्रेड रिसीवेबल, जिसको बोलते हैं डेटर, डेटर। एंड तीसरा, ये तीन इंपॉर्टेंट करेंट एसेट्स है, जनरली होता ही है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यानी ये 5 लाख आप ऐसे नहीं ले सकते, 5 लाख को 3 भाग में लिखना पड़ेगा, स्टॉक, डेटर एंड कैश। कैसे लिखेंगे वो मैं बताता हूं, हड़बड़ी मत करिएगा। टोटल करेंट एसेट्स 5 लाख था, आप स्टॉक लिखिए 2 लाख, स्टॉक के सामने लिखिए 2 लाख, आप डेटर, 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 ट्रेड रिसीवर, डेटर 266667, ओके। तो 2 लाख और 266667, 2 लाख और 266667, 266667, दोनों को जोड़ी आएगा तो जोड़ के आएगा 466667, ठीक है। तो करेंट एसेट्स का 2 ठो को जोड़ के आया 466667 और टोटल करेंट एसेट्स है 5 लाख। तो उस 5 लाख में से इन दोनों का वैल्यू को अगर माइनस कर देंगे, 5 लाख माइनस 466667, दोनों को जोड़ के उस 5 लाख से माइनस करेंगे तो आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो यानी टोटल करेंट एसेट्स है 5 लाख, टोटल करेंट एसेट कितना है 5 लाख, उस 5 लाख में से स्टॉक और डेटर माइनस करेंगे तो कैश का वैल्यू आ जाएगा, याद रहेगा। चलिए मैं निकाल के दिखा देता हूं, 5 लाख टोटल करेंट एसेट्स माइनस 2 लाख माइनस 266667 माइनस कर दीजिए, या आप यहां भी दिखा सकते हैं, अलग से वर्किंग नोट भी दिखा सकते हैं, आपका इच्छा, जहां आपको दिखाने का मन हो। आएगा 33,333 कैश का वैल्यू, इसको बोलते हैं हिडन इंफॉर्मेशन,
छुपा हुआ इंफॉर्मेशन, क्योंकि अभी आप जिस स्टैंडर्ड में है ना, रेशियो में, जिस रेशियो रेशियो ये चैप्टर जिस स्टैंडर्ड में है और आप जिस स्टैंडर्ड में है, जिस क्लास में आप पढ़ते हैं, उस क्लास में टीचर जानना चाहता है कि आपका बुद्धि कितना काम करता है, आपके बुद्धि में है कि नहीं कि करंट एसेट में 3 पार्ट होता है जो क्लास 11 से पढ़ाया जा रहा है। बैलेंस शीट में स्टॉक करंट एसेट्स होता है, डेटर करंट एसेट्स होता है, कैश करंट एसेट होता है, जिसमें स्टॉक डेटर दिया हुआ है, टोटल करंट एसेट दिया हुआ है। तो बुद्धि में आना चाहिए कि कैश छुपा हुआ है, आपको छुपे हुए को ढूंढ के निकाल के लिखना है। गॉट द पॉइंट? और इसी के साथ 1998 कंप्लीटेड, फुल कॉपी करिए और कॉपी करके जल्द से जल्द सॉल्व करिए। आशा करते हैं पॉज करके आपके कॉपी कर लेंगे, ठीक है? तो काइंडली पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा। नेक्स्ट सम्स का वीडियो, नेक्स्ट सम्स का वीडियो नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। ये पहला पार्ट है, इस क्लास का पहला पार्ट है, सेकंड पार्ट। गॉट इट? श्योर। एक एक सम में अप्रोक्सीमेटली 50-50 मिनट लग जाता है समझाने में, तो एग्जाम में बनाने में भी आपको 20-25 मिनट लगेगा। प्रैक्टिस जरूरी है, याद रखना जरूरी है। ध्यान रहे, भगवान को खुश करने के लिए आपको प्रसाद चाहिए, प्रसाद के लिए मार्क्स, मार्क्स बने प्रसाद मिलेगा कब? जब आप भगवान का बात मानेंगे। भगवान बोले हैं प्रॉब्लम सॉल्व करिए, फॉर्मूला नहीं सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला नहीं याद होगा तो आपसे आंसर बनने वाला नहीं है। गॉट इट? और 15-15 मार्क्स में आता है ये, पहले पुराने सिलेबस पे 20 मार्क्स का आता था। गॉट इट? चलिए कॉपी। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, शब्बा खैर, खुश रहिए, आबाद रहिए, बट सेफ रहिए और अपने घर में रहिए। बाय बाय।